पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। मेरा दुकान ये सेब संतरा केला अंगूर बेदाना ये सब फल का दुकान है। यहाँ बाहर से लोग हमेशा आते रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ जो है से सब भाईचारा एक रहता है। यहाँ कमरिया भी आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, बहुत तरह के आदमी आते हैं, यहाँ पूरा विश्व के आदमी आते हैं। कमरिया का भीड़ रहता है, हमारी साइड में कम रहता है, इस साइड में नहीं रहता है, आपका उस साइड में मंदिर तरफ ज़्यादा रहता है। हाँ लेने तो आते हैं, फल लेने आते हैं, तो एगो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इसका मालिक कौन है, यह है आपका। भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। मेरा नाम बच्चू मालाकार है। ये बोध गया गांधी चौक है, ये फल मंडी है, बाजार है क्या? हाँ ये फल मंडी बाजार है। दुकानों में नाम लिखा हुआ, नेम प्लेट तो जरूरी होना चाहिए, उससे क्या होता है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ ये हुआ उससे पता चलेगा कि हम इस दुकान से सामान लिए हैं, फलाने दुकान से सामान लिए हैं, इससे गड़बड़ नहीं होगा। नेम प्लेट होने से पता चलेगा कि सामान अगर गड़बड़ दे दिया तो हम फलाने आदमी से सामान लिए ऐसे है, कोई वजने कम कर दिया। यहाँ भी कमरिया लोग आते हैं? हाँ कमरिया आते हैं, यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों का यहाँ आस्था है, पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो क्या ये नेम प्लेट से यहाँ कोई भेदभाव नहीं? इससे भेदभाव नहीं होगा, इससे भेदभाव नहीं होगा। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार। मेरा दुकान ये सेब संतरा केला अंगूर बेदाना ये सब फल का दुकान है। यहाँ बाहर से लोग हमेशा आते रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ जो है से सब भाईचारा एक रहता है। यहाँ कमरिया भी आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, बहुत तरह के आदमी आते हैं, यहाँ पूरा विश्व के आदमी आते हैं। कमरिया का भीड़ रहता है, हमारी साइड में कम रहता है, इस साइड में नहीं रहता है, आपका उस साइड में मंदिर तरफ ज़्यादा रहता है। हाँ लेने तो आते हैं, फल लेने आते हैं, तो एगो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं। जैसे जानते हैं ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि है और हमारे भगवान बुद्ध का देन है, यहाँ सब धर्म एक साथ रहते हैं। और जैसा भी देख रहे हैं कि बहुत जगह दुकान में सावन मास को लेकर नेम प्लेट, तो हमारे बोधगया के भी दुकानदार लोग फल बेचने वाले हैं, जो भी है अपने अपने दुकान में नेम प्लेट लगा चुके हैं। ऐसा है कि हम लोग किसी धर्म से भेदभाव नहीं रखते, हम लोग सब कुछ एक साथ रहते हैं। बोधगया के ये इतिहास है कि हम लोग सब धर्म में एक साथ लेके चले। यहाँ भी कबाड़ियों का भीड़ रहता है? यहाँ आपको सावन के मास में तो अभी तो बोलबम का दिन चलेगा तो कांवर लोग आएंगे, बाकी अंदीना भी देखिएगा तो यहाँ टूरिस्ट लोग आते रहते हैं और सब हमेशा सब एक साथ में रहते हैं। हम लोग मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार। जैसे जानते हैं ये ज्ञान और मौज की भूमि है और हमारे भगवान बुद्ध का देन है, यहाँ सब धर्म एक साथ रहते हैं। और जैसा भी देख रहे हैं कि बहुत जगह दुकान में सावन मास को लेकर नेम प्लेट, तो हमारे बोधगया के भी दुकानदार लोग फल बेचने वाले हैं, जो भी है अपने अपने दुकान में नेम प्लेट लगा चुके हैं। ऐसा है कि हम लोग किसी धर्म से भेदभाव नहीं रखते, हम लोग सब कुछ एक साथ रहते हैं। बोधगया के ये इतिहास है कि हम लोग सब धर्म में एक साथ लेके चले। यहाँ भी कबाड़ियों का भीड़ रहता है? यहाँ आपको सावन के मास में तो अभी तो बोलबम का दिन चलेगा तो कांवर लोग आएंगे, बाकी अंदीना भी देखिएगा तो यहाँ टूरिस्ट लोग आते रहते हैं और सब हमेशा सब एक साथ में रहते हैं। हम मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार। जैसे जानते हैं ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि है और हमारे भगवान बुद्ध का देन है, यहाँ सब धर्म एक साथ रहते हैं। और जैसा भी देख रहे हैं कि बहुत जगह दुकान में सावन मास को लेकर नेम प्लेट, तो हमारे बोधगया के भी दुकानदार लोग फल बेचने वाले हैं, जो भी है अपने अपने दुकान में नेम प्लेट लगा चुके हैं। ऐसा है कि हम लोग किसी धर्म से भेदभाव नहीं रखते, हम लोग सब कुछ एक साथ रहते हैं। बोधगया के ये इतिहास है कि हम लोग सब धर्म में एक साथ लेके चले। यहाँ आपको सावन के मास में तो अभी तो बोलबम का दिन चलेगा तो कांवर लोग आएंगे, बाकी अंदीना भी देखिएगा तो यहाँ टूरिस्ट लोग आते रहते हैं और सब हमेशा सब एक साथ में रहते हैं। हम लोग मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार। जैसे जानते हैं ये ज्ञान और मोक्ष की भूमि है और हमारे भगवान बुद्ध का देन है, यहाँ सब धर्म एक साथ रहते हैं। और जैसा भी देख रहे हैं कि बहुत जगह दुकान में सावन मास को लेकर नेम प्लेट, तो हमारे बोधगया के भी दुकानदार लोग फल बेचने वाले हैं, जो भी है अपने अपने दुकान में नेम प्लेट लगा चुके हैं। ऐसा है कि हम लोग किसी